प्रे कहानी की शुरुआत में हमें सन 1719 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक ट्राइब खुशी खुशी रह रही थी। उसी ट्राइब की एक लड़की होती है जिसका नाम नारू होता है, और नारू बहुत ही बहादुर होती है जो कि मर्दों की तरह शिकार करना चाहती है। सुबह उठकर वो जंगल में जाकर अपने औजार से प्रैक्टिस भी करती है, और उसके पास एक डॉग भी होता है जो कि हमेशा उसका साथ दिया करता था। तभी वो दोनों वहां पर एक हिरन को देखते हैं, तो वो उसके पीछे जाते हैं करने के लिए। इससे पहले नारू उस हिरन पर वार करती, बादलों से कुछ आवाज आती है। इससे वो हिरन सतर्क हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। नारू के डॉग की पूंछ एक ट्रैप में जाकर फंस जाती है, तो वो उसकी मदद करती है उसे छुड़ाने में, और उसके बाद वो जड़ी बूटियों से बनाई हुई मेडिसिन उसकी पूंछ में लगाती है ताकि वो ठीक हो सके। तभी नारू को बादलों से आवाज आती है, तो वो बादलों में देखती है और वहां पर उसे एलियन का स्पेसशिप दिखाई देता है जिसे वो बर्ड समझती है। कुछ देर बाद वो अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने बादलों में एक थंडर बर्ड देखी है। उसका भाई उससे कहता है कि उसे शिकार ही क्यों करना है, वो बाकी औरतों की तरह घर क्यों नहीं संभालना चाहती। तब नारू उससे कहती है कि वो बहुत ही बहादुर है जो कि उसकी तरह अवार्ड लेना चाहती है, और उन कबीले के लोगों को बताना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। उसके बाद नारू अपने टेंट में जाती है जहां वो अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ एक वैद्य होती है जो कि जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाया करती थी ताकि जख्मी लोगों के दर्द कम हो सके। उसकी माँ जब उसे उसकी एक्स शार्प करते हुए देखती है, तो वो उससे कहती है कि वो हंट क्यों करना चाहती है। नारू अपनी माँ से कहती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां हंट नहीं कर सकती। तभी उसका भाई वहां पर आता है जो कि उससे कहता है कि वो एक दिन जरूर हंट करेगी। उसके बाद नारू बाहर जाती है जड़ी बूटियां लेने के लिए, पर जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो वो कबीले के आदमियों को जंगल की तरफ भागते हुए देखती है। वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर एक शेर आ गया है जिसने उनके एक आदमी को जख्मी कर दिया है। उसके बाद वो जंगलों में जाते हैं उसे हंट करने के लिए, और नारू भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, तो वो लोग उसे इनकार कर देते हैं। तभी नारू का भाई वहां पर आता है और उसे कहता है कि उन्हें नारू की जरूरत है क्योंकि वो जख्मी बंदे को हील करने में काम आएगी। इधर उसे जंगल में उस स्पेसशिप से एक एलियन भी उतरा होता है, और वो अपने सामने एक स्नेक को देखता है, तो वो उसे चीर कर फेंक देता है। इधर वो कबीले वाले आगे बढ़ते हैं जहां पर उनका जख्मी साथी उन्हें मिलता है। नारू उसके पास जाती है और उसका इलाज करती है, और बाकी लोग शेर का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां पर रात हो जाती है और वो लोग घर की ओर निकलने लगते हैं। नारू के डॉग को वहां पर कटा हुआ सांप दिखाई देता है, तो नारू वहां पर जाती है और सांप को देखकर हैरान हो जाती है। इससे उसे पता चल जाता है कि ये किसी शेर का काम नहीं है, जरूर यहाँ पर कोई और जानवर भी है जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने साथियों से कहती है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। नारू उनसे कहती है कि वो घर जाएं, और वो अपने भाई को वार्न करने जा रही है। और जब वो अपने भाई के पास पहुंचती है तो वो उसे सारी बात बताती है। उसका भाई उसकी बात नहीं मानता, और वहाँ पर वो बड़ा सा पंजा भी देखते हैं। वो उसे कहता है कि जरूर ये पंजा किसी बियर का होगा, लेकिन नारू उससे कहती है कि इतना बड़ा पंजा कभी बियर का हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो लोग एक बेड तैयार करते हैं लॉयन को पकड़ने के लिए। वो जानवरों को मारकर वहां पर रख देते हैं ताकि जब लॉयन वहां पर आए तो वो उस पर हमला कर सके। उसका भाई नारू और एक बंदे को पेड़ के ऊपर भेज देता है ताकि वो पेड़ के ऊपर जाकर निशाना लगा सके। तभी वो लॉयन पेड़ के ऊपर आ जाता है और उस बंदे को काट खाता है। जब वो नारू के सामने आता है तो नारू उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने घर में पाती है, जहां पर उसकी माँ उसके लिए टी तैयार करती है और उसे पिलाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि जब हंटिंग करना उसके बस की नहीं है तो वो हंटिंग करने क्यों जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका भाई उसके साथ था जिसने उसकी जान बचाई। तभी उसका भाई शेर का कटा हुआ सर लेकर आता है जिससे कबीले वाले खुश हो जाते हैं, और वो उसे कबीले का अवार्ड देते हैं जिससे उसे काफी खुशी होती है। नारू अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि वो लॉयन तो कुछ
भी नहीं था। यहाँ पर जरूर कोई और जानवर भी है जो कि बहुत ही खतरनाक है और उसे जान से मारना होगा। इससे पहले कि वो उनके लोगों को मारे, उसका भाई उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसके बाद वो जश्न मनाता है। अगली सुबह नारू उठती है और अपने डॉग के साथ जंगल की ओर जाती है ताकि वो वहाँ मौजूद सबसे डेंजरस जानवर को पकड़ सके। उसे वहाँ लकड़ी पर एलियन का खून मिलता है जो कि हरे रंग का था और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये किस जानवर का खून है। इधर दूसरी तरफ खरगोश के पीछे एक लोमड़ी पड़ जाती है और तभी लोमड़ी के सामने वो एलियन आ जाता है जो कि पूरी तरह इनविजिबल था। वो जानवरों से लड़ने लगता है और वो उसे मार गिराता है। इधर नारू शिकार से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो अपने एक्स में एक रस्सी लगा देती है जिससे वो अपने एक्स को दोबारा अपने पास बुला सकती थी। इधर वो एलियन एक गुफा में रुका होता है और वो वहाँ पर धरती के सबसे ताकतवर जानवर को ढूंढने के लिए आया था। अगली सुबह नारू एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसे बुल्स के कंकाल मिलते हैं और उनकी बॉडी से उनका फ्लैश कोई ले गया था। उन्हीं के पास से उसे कुछ सिगार्स भी मिलती हैं जिससे वो समझ नहीं पाती कि ये किसका काम है। उसके बाद वो जंगल की ओर जाती है जहाँ पर वो एक दलदल में फंस जाती है। इधर वो एलियन भी उसी लैंड में पहुँचता है जहाँ पर उसे बुल्स के कंकाल मिलते हैं। नारू अपने एक्स को एक डंडे में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में वो कामयाब हो जाती है और इस दलदल से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो पानी में अपने शरीर को धोती है, तभी वो अपने सामने एक बियर को देखती है जो कि एक शिकार को मार कर खा रहा था। ये देखकर वो काफी डर जाती है और वो बियर उसे सूंघ लेता है। तब नारू उस पर तीर चलाने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसका धनुष ही टूट जाता है और बियर उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसका डॉग उस पर हमला कर देता है और उसे अपने पीछे बुलाता है। तभी वो वापस आकर नारू पर हमला करता है और नारू उसे तीर चलाकर मारती है, लेकिन उसका तीर मिस हो जाता है और बियर उसे पकड़ने लगता है। नारू लकड़ियों में जाकर छुप जाती है और वो उसे काटने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है जो कि अदृश्य था और वो बियर को मार गिराता है और उसका खून जब उसके शरीर पर आता है तो नारू उसे देख लेती है, लेकिन वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसने पहली बार ऐसे जानवर को देखा था। वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है और वो एलियन उसे कुछ नहीं करता। तभी उसे कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर थी। वो बताती है कि उसने एक ऐसे जानवर को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसने एक ही चुटकी में बियर को मारकर खत्म कर दिया। उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना वो उन्हें भी मार डालेगा। पर वो मर्द उसकी बात नहीं सुनते और उससे कहते हैं कि वो उनके साथ घर चले। तभी नारू एक बंदे से लड़ने लगती है और वो उसे बुरी तरह पीटती है और वो बंदे गुस्से में आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका हाथ बांध देते हैं और उसे बैठा देते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पर तीर चलाते हैं तो वहाँ पर एक जानवर होता है। जब एक बंदा उस जानवर को उठाने जाता है तो वो अपने शरीर पर लाल लेजर बीम देखता है जिससे वो काफी डर जाता है। तभी वो एलियन अपने तीर से उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख बाकी बंदे काफी हैरान हो जाते हैं और एलियन की तरफ भाला फेंक देते हैं जिससे उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वो विजुअल होने लगता है और सभी उससे लड़ते हैं, लेकिन वो अकेला ही उन सबको मार गिराता है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। नारू अपने आप को छुड़ाती है और उससे लड़ने जाती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो वहाँ से भाग निकलती है। तभी खेतों में नारू को एक लड़का मिल जाता है जो कि उसे नीचे रहने के लिए कहता है और बताता है कि जब वो प्राणी यहाँ पर आएगा तो वो उस पर हमला कर देंगे। वो एलियन अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट करता है कि वहाँ पर दो लोग मौजूद हैं और उस जगह की तरफ शूट करने वाला होता है। तभी नारू अपने साथी के शरीर पर लेजर देख लेती है और उसे कहती है कि वो वहाँ से भाग जाए। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो एलियन उस बंदे को पकड़कर मार डालता है। उसके बाद वो नारू के पीछे जाता है और नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि फ्रेंच लोगों ने वहाँ पर जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया था। और ये देखकर वो एलियन वहाँ पर कुछ भी नहीं करता और फ्रेंच लोग वहाँ पर आकर नारू को बंदी बना लेते हैं। वो नारू से पूछते हैं कि क्या उसने उस क्रिएचर को देखा जो कि बहुत खतरनाक था। उस क्रिएचर ने उनके बहुत सारे साथियों को मार डाला है और अब वो उसका शिकार करना चाहते हैं, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन दे। नारू उससे कहती है कि वो अदृश्य था तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाए। तभी नारू वहाँ पर अपने भाई को देखती है जिसको उन लोगों ने बंधक बना रखा था। वो उसके शरीर पर कट लगाते हैं और सुबह उन दोनों को बांध देते हैं और उन्हें एज ए बेट इस्तेमाल करते हैं। उनका
का प्लान था कि जब वो क्रिएचर उनके लिए वहाँ पर आए तो वो उसे वहाँ मार डाले। वहीं वो एलियन काफी सातिर होता है जो कि समझ जाता है कि वो एक बेट है, इसलिए सबसे पहले वो उन सबके पास जाता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। वो सभी उसके एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसा जीव है। वो लोग उसे अपनी गन से शूट भी करते हैं लेकिन उससे उस पर कोई असर नहीं होता। तभी नारू को एक पत्थर मिलता है जिससे वो अपने रस्सी को काटने लगती है और वो वहाँ से आजाद हो जाती है। वो एलियन वहाँ पर एक गैजेट छोड़ता है जिसे देखकर वो फ्रेंच लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वो गैजेट हवा में उड़ता है और एक एक करके उन्हें मार डालता है। नारू अपने भाई से कहती है कि वो अपने डॉग को बचाने जा रही है और जब वो उन फ्रेंच लोगों के अड्डे पर पहुंचती है तो वो वहाँ पर ढेर सारे मर्दों को देखती है। वो उनका सामना करती है और एक एक करके उन्हें मार डालती है और उसके बाद वो अपने डॉग को छुड़ाती है और उसे कहती है कि वो कबीले में चला जाए। इधर लड़ाई करते हुए उस एलियन को भी काफी चोट लग गई होती है, इससे उसका खून बह रहा होता है। वो अपने गैजेट से कुछ मेडिसिन निकालता है और उसे अपने घाव पर लगाता है जिससे उसका घाव भर सके। इधर नारू के पास एक फ्रेंच आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि वो उसकी जान बचाए। नारू उसके पैर से गैजेट को निकालती है जो कि उस एलियन का था और उसके बाद उसके पैर की मरहम पट्टी करती है। वो आदमी उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी गन रख सकती है और वो उसे वो गन चलाना भी सिखाता है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है। तब नारू पेड़ के पीछे छिप जाती है और वो बंदा मरने की एक्टिंग करता है ताकि वो जिंदा बच सके। वो एलियन अपनी आंखों से स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि वो बंदा जिंदा है, इसलिए वो उसे जान से मार डालता है। जब वो पेड़ की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिससे नारू समझ जाती है कि उस जड़ी की वजह से वो उसे नहीं देख पा रहा है। तभी नारू का भाई उस पर हमला कर देता है और वो उससे लड़ने लगता है और नारू भी उसके पास आकर उसका सामना करती है। वो दोनों उसे मारने वाले होते हैं लेकिन तभी वो एलियन इनविजिबल हो जाता है जिससे वो उसके भाई को मार गिराता है और नारू वहाँ से भाग निकलती है। नारू के कबीले की एक लड़की जब अपने कबीले में जाती है तो वो उसके भाई की मौत की खबर सबको देती है, इससे सभी लोग काफी दुखी होते हैं और उसकी माँ बहुत रोती है। नारू अभी जंगल में ही होती है और उसने उस एलियन को मारने का ठान लिया था। वो नदी के पास उस फ्रेंच आदमी को देखती है जिसने उन लोगों को बंदी बनाया था। वो उसके पास जाती है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पैर को कटा हुआ पाता है। तभी उसे उसके सामने एक गन नजर आती है तो वो उसे लेने जाता है। तब नारू उससे कहती है कि उसकी वजह से उसका भाई मरा है और अब वो उसे एज ए बेट इस्तेमाल करेगी उस एलियन को मारने के लिए। वो आदमी नारू को शूट करने जाता है तो उसके अंदर गोली ही नहीं होती और नारू वो येलो फ्लावर की जड़ी को खा लेती है ताकि वो एलियन के सामने इनविजिबल हो सके। तभी वो एलियन वहाँ पर आता है और उस आदमी को मार गिराता है और नारू उस एलियन के सर पर मारती है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद नारू जंगल की ओर भागती है और हर जगह पर ट्रैप्स लगा देती है और पेड़ के ऊपर चढ़कर उस एलियन के आने का इंतजार करती है। जब वो एलियन वहाँ पर पहुँचता है तो वो उस पर हमला कर देती है और उस एलियन का गिरता हुआ खून उसकी बॉडी पर लग जाता है जिससे वो एलियन उसे देख पाता है। वो उससे लड़ता है और उसे जान से मारने वाला होता है लेकिन तभी नारू उसे चकमा देकर दलदल में फंसा देती है। उसने उसके गैजेट को ठीक दलदल के सामने रखा हुआ था ताकि जब वो उस पर हमला करे तो उसका लेजर उस पर ही पड़े और उसके यंत्र से खुद उसकी मौत हो जाए। वो एलियन दलदल से बाहर निकलता है और उस पर हमला करने जाता है और नारू उसे कहती है कि अगर उसमें दम है तो वो उसे मार डाले। जब वो नारू को शूट करता है तो उसकी गोली घूमकर उसे ही लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह नारू अपने कबीले में पहुंचती है जहां पर वो उसका कटा हुआ सर लेकर आई थी। वो उसके सर को अपने मुखिया के आगे फेंकती है और उससे कहती है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। तब वो सभी उसे अवार्ड देते हैं और खूब जश्न मनाते हैं और ये साबित हो जाता है कि लड़कियां भी हंटर बन सकती हैं। नारू सबसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जरूर उस क्रिएचर के और भी साथी यहाँ आएंगे उन्हें मारने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।